तो आप भी जानना चाहते हो कि ये टेक्स्ट शेप मैंने कैसे बनाई है, तो आज मैं आपको बढ़िया सी ब्लेंडिंग ऑप्शन वाली एक टूल बताने जा रहा हूँ जो इलस्ट्रेटर में वर्क करती है। तो आपने एक बढ़िया सा लिप्स टूल लेना है, इसकी एक कॉपी बनानी है और इस कॉपी को डिफरेंट कलर दे सकते हैं आप। इधर से मैं इसको ऑरेंज दे देता हूँ और इस वाले को मैं दे देता हूँ थोड़ा सी येलो टोन। तो अभी आपने क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, इधर ब्लेंड में आना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन में आना है और इसको स्टेप पे ले आना है, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेप। और इसको 600 कर दें, 500 कर दें, जितना भी आपने करना है। इसको ओके करना है, फिर आपने दोबारा ऑब्जेक्ट में आना है, ब्लेंड में आना है और इसे मेक कर देना है। आप इसे आल्ट कंट्रोल बी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये बढ़िया से ब्लेंड हो चुका है अभी। तो आपने इधर से ब्रश टूल लेना है और इधर मैं स्टार बना देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो अभी आपने करना क्या है, इसको साइज़ में थोड़ा सा छोटा करना है आपने, और इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है। दोनों को सेलेक्ट करके आपने ऑब्जेक्ट में आना है, ब्लेंड में आना है और इसे रिप्लेस स्प्लाइन कर देना है, ठीक है। तो ये देखो आपके सामने एक बढ़िया सी शेप आ चुकी है। तो आप इसको यूज़ करते हुए मज़ीद बहुत सारी शेप्स आप बना सकते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में।